Hello friends, this is my first video and in this video I will tell you about C programming and I will provide you C programming full course in free. So let's ready and be with me. So in this video I will tell you about why C programming is so important. Humko C programming padhni kyun chahiye? So let's start. Why C programming is so important? Have you heard about Oracle? Oracle is a database. Database means the collection of data that computers store. Even computer or Android phones also store collection of data that is Android phone or any system, computer, laptop that is stored. That is called database. So Oracle is a database which is written in C. Core libraries of Android is also written in C. And MySQL is also a database which is also written in C. Almost every device driver is written in C. Almost every device driver is written in C. A major part of web browser is also written in C. Major part of web browser means that Chrome, Firefox, these are all web browsers. And the major part of these web browsers are written in C. Unix operating system. Unix is an operating system. You have heard about Unix. It is an operating system. It is also developed in C. C is the world's most popular programming language. अब हम मैं आपको बताऊंगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सी उन्हें क्यों पढ़नी चाहिए. स्टूडेंट्स को सी क्यों पढ़नी चाहिए? सी इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स. देखिए, जो सबसे पहले आती है, जैसे कि हम साइकिल चलाता है कोई इंसान, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि साइकिल चलाओगे तभी स्कूटर चला पाओगे. कि जब तुम्हें साइकिल चलानी आएगी तभी तुम स्कूटर चला पाओगे अच्छे से. तो इट मीन्स अगर तुम्हें सी लैंग्वेज आएगी तभी तुम पाइथन, जावा, जो बड़ी लैंग्वेज होती है, तुम तभी सीख पाओगे. इट्स लाइक दैट ओनली. सी लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज है जो कि बहुत एक ईजी लैंग्वेज है. और जो सी लैंग्वेज है उसी की जो बाकी की लैंग्वेज है, जावा, पाइथन, इन सब ने सी लैंग्वेज को कॉपी किया है. पर ये हायर लेवल लैंग्वेजेज हैं, ये मिड लेवल लैंग्वेज, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स के लिए सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है. बिकॉज इट बिल्ड योर प्रोग्रामिंग स्किल्स बेटर. सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोसेस. जब भी आपके कैंपस में कोई भी कंपनी आती है तो आपसे जो भी वो क्वेश्चन पूछेगी वो सी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग ही पूछेगी. सी इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग. जो हार्डवेयर की डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए सी बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट लैंग्वेज है. ये जो है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. अब हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री में जाएंगे. जो मार्टिन रिचार्ड्स थे वो डेवलपर हैं BCPL. सबसे पहले लैंग्वेज आई थी ये BCPL, उसकी फुल फॉर्म में बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये 1966 में आई थी. ये मार्टिन रिचार्ड्स ने ये लैंग्वेज बनाई थी. और ये हिस्ट्री ऐसी की. और जब BCPL आई थी 1966 में, इसके बाद आई थी 1969 में बी लैंग्वेज. तो ऐसा नहीं है कि पहले ए आई थी, बी आई थी, तब सी आएगी. ये हम आपको बता रहे हैं कि सी लैंग्वेज से पहले कौन कौन सी लैंग्वेज आ चुकी हैं. जो ये हैं केन थॉम्सन, ये बी लैंग्वेज के डेवलपर हैं और ये 1969 में आई थी. और इन्होंने जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वो भी डेवलप किया है. वॉट इज़ कंप्यूटर? अब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और डिवाइस है जो वर्क करती है IPO पे. IPO इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मींस, जैसे कि आप माउस से आउटपुट दे देते हैं. आपने माउस लिया, हमने यहाँ क्लिक किया तो ये शो हो गया कि हमने यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर हमें आउटपुट आ रहा है. पर मैंने इनपुट कहाँ से दिया? इनपुट दिया मैंने माउस से. अभी मैं कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करूँ, मैंने पेज आगे का टाइप किया, देखा तो ये आगे पेज हो गया. तो आउटपुट कहाँ आ रहा है? इस स्क्रीन पर आ रहा है. मतलब इनपुट हम देते हैं माउस से. ये CPU जो होता है, ये ब्रेन होता है, आपको सबको पता ही होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सो ये प्रोसेस करता है. हमने यहाँ पे इनपुट दिया क्लिक का, इसने प्रोसेस किया और आउटपुट स्क्रीन पर शो कर दिया. जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके लिए स्पीकर्स में होता है. आप चाहते हैं कि नहीं हमें प्रिंट करके आए तो ये आपको प्रिंट में भी आउटपुट मिल जाएगा. ओके, सो वॉट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट. इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट शो करता है. देन फॉर इनपुटिंग इट हैज कीवर्ड, कीबोर्ड,
माउस, स्कैनर, माइक एक्सेट्रा। इनपुट ही किस-किस पर देता है? कीबोर्ड पर देता है, माउस पर देता है, स्कैनर पे देता है, माइक पर देता है, इवन ऑन प्रिंटर इट इज ऑल्सो गिविंग द आउटपुट। फॉर आउटपुट, आउटपुट हमें किस किस पर मिलता है? हमें आउट देखिए कंप्यूटर पर मिल जाता है आउटपुट, एलसीडी। अभी आप टीवी से कनेक्ट कर देंगे तो आपको देखिए टीवी पे आउटपुट मिल जाएगा। अभी आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो बिल्कुल चाहिए कि हाथ पे लगा हुआ, तो वो आपको प्रिंटर में मिल जाएगा। प्रिंटर कनेक्ट कर दीजिए लैपटॉप से तो आपको प्रिंटर में जो भी आप चाहते हैं, जैसे ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है फॉर आउटपुटिंग, तो ये भी आप चाहते तो ये भी प्रिंटर पे आ जाएगा एंड प्लॉटर पे आ जाएगा। स्पीकर पे आप सुन पाएंगे, वो भी आउटपुट हुआ। और प्रोसेसिंग, प्रोसेस कहाँ पर होता है? प्रोसेस होता है सीपीयू में। सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सारा हमारा डेटा प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल जाता है। द कंप्यूटर कैन बी डिफरेंशिएट देन द अदर कंप्यूटेशन डिवाइस लाइक कैलकुलेटर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। अब भी आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेटर भी कर देगा 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, और कंप्यूटर ये भी कर देगा 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, पर कंप्यूटर की कॉस्ट है 50,000 और कैलकुलेटर की कॉस्ट है 500 ओनली, देन व्हाट विल यू प्रेफर टू बाय? मोस्ट ऑफ देम यू प्रेफर टू बाय कैलकुलेटर, बट नो, कंप्यूटर जो होगा वो आपको 2 × 2 जो करेगा वो करेगा प्रोग्रामिंग के थ्रू। अभी क्या होगा कि आपने कैलकुलेटर पे निकाला 2 × 2, फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया कैलकुलेटर को, तो हम जब बाद में ऑन करेंगे तो वो उड़ जाएगा सारा। 2 × 2 उड़ जाएगा? नहीं उड़ जाएगा। क्या आपको 2 × 2 दिख जाएगा कि हमने पहले किया था? नहीं दिखेगा। बट इन कंप्यूटर व्हेन यू डू 2 × 2 एंड देन यू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर एंड देन यू ऑन, इट विल शो, जो कि जो भी आप कंप्यूटर में करोगे वो उसकी मेमोरी में अंदर फीड हो जाता है और वो आप जब भी देखना चाहो आप जब भी देख सकते हो। ओके, कंप्यूटर में दो टाइप्स की मेमोरी होती है, रैम और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। हम जो भी उसमें फीड करते हैं, किस में फीड होता है? वो होता है रैम में फीड होता है जाके। ठीक है, वी हैव सम स्टोरेज पेरिफेरल लाइक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क। हमें जो भी स्टोर करना चाहते हैं, सबसे पहले आई थी फ्लॉपी डिस्क, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले आई थी फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें हम डेटा स्टोर कर लेते हैं। डेटा स्टोर करने का मीन्स कि जो फ्लॉपी डिस्क आपको, जैसे कि अब ये फाइल है, मैं चाहती हूँ कि ये फाइल मेरी फ्लॉपी डिस्क के अंदर आ जाए तो हम ये स्टोर कर लेंगे। पर जो फ्लॉपी डिस्क थी वो बहुत ही ज़्यादा कम, इवन इट इज़ कम ऑफ 2 MB, राइट? या इट कम ऑफ 2 MB एंड देन इट देन CD कम्स, देन तब आई थी CD। तो CD आई थी थोड़ी ज़्यादा, फिर आई थी DVD और फिर आई थी CD और फिर आई थी अभी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो अब देखिए आप 32 GB तक ही आ रही हैं। CD जो आई थी वो आई थी 700 MB की, DVD आई थी 700 MB की और CD आई थी 1 GB की। पर अब पेन ड्राइव, तो आ रही है 32 GB की, 62 GB की। ठीक है, और ये मैग्नेटिक टेप, आपने, आपके पास ATM होगा मोस्ट ऑफ के पास, तो आपने ATM के पीछे देखा है ब्लैक कलर की जो टेप होती है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक टेप। ओके, राइट, एक पत्र बता दूं, जो मैग्नेटिक टेप थी इसके अंदर भी डेटा स्टोर होता है। जब भी हम कुछ ATM से करते हैं तो सब चीज़ जो होती है वो मैग्नेटिक टेप के अंदर डेटा स्टोर होता है, पर इसमें बहुत कम डेटा स्टोर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम एज़ कम्पेयर टू पेन ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम होती है जो कम्युनिकेट करती है टू ईच अदर। लाइक जैसे कि अभी मैं और आप बात करें, पर्सन टू पर्सन जो बात होगी वो हम इंग्लिश में कर लेंगे, हिंदी में कर लेंगे, पर मैं जो बोलूँगी आप वो लोग इजीली समझ लेंगे। पर अभी मैं इंग्लिश या हिंदी में बोलूँ तो क्या कंप्यूटर समझ लेगा? नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर को आप इस फोटो में देखिए ध्यान से, आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, देखिए इंसान के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ABCDVERSIO, पर कंप्यूटर में क्या लिखा है? 10100001, लाइक दिस। तो कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, वो होता है 10101001, बाइनरी। ओके, और जो हम जानते हैं, हम जाते हैं ABCD वाला, लाइक दिस। वी नो ओनली अल्फाबेट्स, कंप्यूटर ओनली नो 01। वॉट इज 01? 0s and 1s। देयर इज नथिंग लाइक 0 and 1 इन कंप्यूटर। देयर इज ओनली नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 0 इन कंप्यूटर। एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड एज सिक्वेंस ऑफ 0 and 1। हम जो भी चीज इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में चाहते हैं वो लोड हो जाए, वो केवल एक ही फॉर्म में लोड होता है, वो होता है 0 और 1 की फॉर्म में लोड। कंप्यूटर में जो भी चीज अंदर लोड होती है वो होती है 0 और 1 के फॉर्म। और हम जो जानते हैं वो जानते हैं ABCD दिस लाइक, बट कंप्यूटर ओनली नो 0110 लाइक दिस। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ 0 एंड 1s इन द सिस्टम, देयर आर जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ टू स्टेट्स इन हार्डवेयर। जो 0 और 1 होते हैं उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है सिस्टम के अंदर, पर हाँ इनका सिर्फ जस्ट रिप्रेजेंटेशन है
दो स्टेट्स का हार्डवेयर के अंदर, 0 और 1 का। टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर वी मस्ट नो द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर नोज ओनली वन लैंग्वेज नोन एज मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर होता है वो केवल एक ही लैंग्वेज जानता है जो होती है मशीन लैंग्वेज। जो 0 या 1 होती है क्या होती है मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर केवल इसी लैंग्वेज को जानता है। पर हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए हमें ये 0 1 लैंग्वेज सीखनी होगी। लेट्स स्टार्ट। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर इजीली समझ लेता है, और जो कि रिटन होती है बाइनरी फॉर्म में, लाइक 0 एंड 1। एंड आवर कंप्यूटर अंडरस्टूड ओनली 0 एंड 1 ओनली। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1। अब जैसे कि आपको पता है स्मॉल ए की जो बाइनरी होती है वो होती है 1 0 1 0। स्मॉल ए की जो बाइनरी होती है वो होती है 1 0 1 0, और स्मॉल बी की क्या होगी, स्मॉल बी की होगी 1 0 1 1। मतलब कि इसी हिसाब से बाइनरी सेलेक्ट की जाती है। अभी आपको, हमें पता है ए की बाइनरी 1 0 1 0 होती है। अब मुझे, मैं चाहती हूँ कि इस पर ए लिखा आ जाए, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके लिए 1 0 1 0 टाइप करना होगा, और कंप्यूटर तुरंत समझ जाएगा कि ये इंसान चाहता है कि मैं यहाँ पर ए लिखूँ। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 1 0 1 0। तो हमें भी वही समझनी होगी 1 0 1 0। सो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टूड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, इट कैन ईदर ऑन और ऑफ, देयरफॉर इट अंडरस्टूड ओनली 0 एंड 1। हाँ, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जैसे कि 0 का मतलब ऑफ हो जाता है, 1 का मतलब ऑन हो जाता है। कंप्यूटर अंडरस्टूड करता है केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। जैसे कि अभी हम फैन जाके ऑन कर दें तो वो सब फैन समझ जाएगा कि ऑफ हो, ऑन करा है तो मुझे चलना है। तो ऐसे कंप्यूटर जो होता है ये भी तब समझता है कि ऑफ, 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। ड्रॉबैक्स। देखिए हर चीज़ के ड्रॉबैक्स होंगे। अभी हम आपको मशीन लैंग्वेज कराएंगे, असेंबली लैंग्वेज कराएंगे, इन सब के ड्रॉबैक्स होंगे, और हम एंड में जाके सी लैंग्वेज पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो हमें सबके आपको ड्रॉबैक्स भी बताऊंगी और हम एंड पे जाके सी लैंग्वेज पर रुक जाएंगे। मशीन लैंग्वेज होती है वो पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं होती। सपोज मैंने इस, मेरा जो डिवाइस है ये लैपटॉप है, मैंने इस पर एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, इस पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम बना के मैंने अपनी पेन ड्राइव में मैंने डाल लिया वो प्रोग्राम कि मेरा HP का लैपटॉप है, और मैंने दूसरा लैपटॉप लिया डेल का, और उस पर वो पेन ड्राइव निकाल के उसमें लगाया और अपना प्रोग्राम चलाया। तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा इफ देयर इज एन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। इस पर आप दूसरी डिवाइस से, दूसरी डिवाइस में कुछ प्रोग्राम अपना बना के कर शो करते हैं तो वो उस डिवाइस पर शो नहीं होगा। ये केवल आपने अपनी डिवाइस पर प्रोग्राम बनाया है तो ये आप ही की डिवाइस पर रहेगा। तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मीन्स डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, कि हमने अपनी चीज़ अपने सिस्टम पर कुछ बनाया तो ये उसी पर रहेगा, ये दूसरे सिस्टम पर जाएगा ही नहीं। या हम उसी पर शो करेगा कि हम अपने सिस्टम पे वो प्रोग्राम चलाएंगे तो इसी पर चलेगा, दूसरे के जो सिस्टम है उस पर प्रोग्राम चलेगा नहीं हमारा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, और ये बहुत डिफिकल्ट भी होती है लर्न में। और आप जैसे कि 0 1 0 1 करते करते आप तो बहुत बोर हो जाएंगे। इट्स अ वेरी बोरिंग जॉब ऑल्सो, राइट? ईच एंड एवरी थिंग इन 0 एंड 1 ऑल्सो वेरी टू मच बोरिंग वेरी वेल। अभी तो ए है, अभी आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाए तो इसमें बनाने में 1 दिन लग जाएगा इंसान को 0 1 0 1 करने में। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि नहीं तो ये पोर्टेबल, ये इट्स नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज, इट्स नॉट पोर्टेबिलिटी, बिकॉज इफ यू राइट अ प्रोग्राम इन दिस HP लैपटॉप, इफ यू ट्रांसफर इन टू डेल लैपटॉप, इट विल नॉट रन, इट विल रन ओनली इन HP लैपटॉप। ओके, सो नाउ वी विल कम टू असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज सिम्बॉलिक कोड। इट मीन्स दिस लैंग्वेज लर्न्स ABCD। इट मीन्स देयर इज, इट डज नॉट वॉन्ट्स 0 एंड 1 इंस्टीड ऑफ द न्यूमेरिक कोड। इट यूजेस ओनली सिम्बॉलिक कोड। सिम्बॉलिक कोड इज ऑल्सो नोन एज निमोनिक कोड। M इज साइलेंट हेयर, इट इज नोन एज निमोनिक। निमोनिक कोड इट इज ईजी टू यूज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज के कंपेयर करने में बहुत ईजी होती है यूज करने में। अब असेंबली लैंग्वेज जो होती है, हमने इसमें क्या बोला, हमने आपको उसमें ये बताया असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिम्बॉलिक कोड, मीन्स ये क्या सिम्बॉलिक कोड यूज करती है कि ABCD इंस्टीड ऑफ न्यूमेरिक कोड। तो न्यूमेरिक कोड जो होते हैं 0 1, उसे हमें सिम्बॉलिक कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। लुक एट हियर, असेंबली कोड वी विल यूज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मीन्स अगर मोदी जी है और जिनपिंग है, तो मोदी जी क्या जानते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं। जिनपिंग क्या जानता है, वो चाइनीज जानता है। तो मोदी जी को अपनी बात जिनपिंग से कहने के लिए क्या करते हैं, वो ट्रांसलेटर लगाएंगे बीच में। वो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ट्रांसलेटर का काम होता है इधर की बात उधर करना। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा कि मोदी जी की बात लेगा और जिनपिंग को जाके बताएगा, फिर जिनपिंग की जो चाइनीज
वो बोल रहे हैं उनको सुनेगा और फिर उसको इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट करके मोदी जी को बताएगा, जो मोदी जी बोलेंगे उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके जिनपिंग को बताएगा। सो हेयर ओनली, यहाँ पर असेंबली कोड जो होगा वो असेंबली कोड वो वर्क कर रहा है मशीन कोड में ही। मतलब असेंबली कोड क्या करेगा, असेंबली कोड जो हम ए बी सी डी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटर जो होगा उस ए बी सी डी को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और मशीन कोड में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को मशीन कोड में शो कर देगा और कंप्यूटर रन कर देगा उसको। असेंबली कोड रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की जरूरत उसे जरूर होती है, क्योंकि जब ए बी सी डी हम लिखेंगे तो वो ट्रांसलेटर की मदद से असेंबली कोड ट्रांसलेटर की मदद से वो 0-1 में कन्वर्ट होगा, वो मशीन कोड बन जाए, मशीन कोड में ट्रांसलेटर मशीन कोड को पकड़ा देगा 0-1 करके और कंप्यूटर से रन कर देगा। सो रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज असेंबलर। ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है जिसको हम असेंबलर बोलते हैं, जो ट्रांसलेट करता है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। हम ए बी सी डी लिखेंगे, असेंबलर उसे 0-1 में कन्वर्ट करेगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मीन 0-1 में सही मशीन लैंग्वेज, दैट कन्वर्ट्स द असेंबली इनटू द मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, सिंबॉलिक कोड जैसे कि ए डी डी, हमें लिखना है ऐड कर दो, ए प्लस बी ऐड कर दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, ए ए डबल डी बी, ए ऐड बी। उसको क्या करेगा, असेंबलर जो था वो मशीन कोड में रन कराने के लिए ऐड को क्या करेगा, ऐड को वो कन्वर्ट कर देगा, ये ऐड है इसको वो कन्वर्ट कर देगा 1011 में, सबको कन्वर्ट करेगा 1001 में। हम इसको भी बाद में अभी सीखेंगे कि ऐड 1011 में ही क्यों कन्वर्ट हुआ और सब 1000 में क्यों हुआ, ये भी हम आपको भी आगे बताएंगे। तो ऐड को वो क्या करेगा, 1011 में कन्वर्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट को 1001 में करेगा, मल्ट को, मल्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट करेगा 1110 में, और डिवीजन को करेगा 1010 में। अब हम पढ़ेंगे, हमने कहा था कि हम सभी के ड्रॉबैक्स करेंगे और ड्रॉबैक्स करने के बाद सी लैंग्वेज पे जाके रुक जाएंगे। हमने मशीन लैंग्वेज किया, उसके ड्रॉबैक्स किए, और अब हम इसके करेंगे असेंबली लैंग्वेज, अब हम इसके ड्रॉबैक्स पे आते हैं। ड्रॉबैक्स मीन्स डिसएडवांटेज। ड्रॉबैक्स ये है इसका, इट इज ऑल्सो नो नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज, इट वॉज द प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये एक प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं होती है। नोट दीज टू लैंग्वेजेस। हाँ, अब जैसे कि ये जो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों एक लो लेवल लैंग्वेज हैं, दोनों ही, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है मिड लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको ये बताया कि ये जो दोनों हैं ये है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों हैं लो लेवल लैंग्वेज। एंड इट इज नॉट अ ऑल्सो पोर्टेबल लैंग्वेज, इट वॉज अ प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। आते हैं, जनरेशन कितने तरीके के होते हैं। जनरेशन दो तीन तरीके के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस, मिड लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसमें मिड लेवल लैंग्वेज नहीं लिखा है, मिड लेवल लैंग्वेज नहीं लिखा है क्योंकि हम लो पढ़ेंगे, हम फिर हाई पढ़ेंगे और तभी जाके हम मिड समझ पाएंगे, उससे पहले हम मिड समझ नहीं पाएंगे। सो इट इज नॉट अ तो फ्रेंड्स, हम कहाँ पर थे, हम थे असेंबली लैंग्वेज के, सॉरी फ्रेंड्स, हम कहाँ पर थे, असेंबली लैंग्वेज के ड्रॉबैक्स पर। तो असेंबली लैंग्वेज का ड्रॉबैक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इट इज़ नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज, इट वॉज अ प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं होती है। ये मतलब अभी मैंने इस एचपी के लैपटॉप पे प्रोग्राम बनाया, तो अगर मैं इसे डेल पर दिखाती हूँ तो ये नहीं चलेगा, डेल के लैपटॉप पर दिखाती, क्योंकि हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है। प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब कि ये हार्डवेयर पर डिपेंड करती है, ये इसके लैपटॉप पर चल जाएंगी, पर मैं अभी दूसरे लैपटॉप पर चाहूँ तो वहाँ पर ये नहीं चलेंगी। जैसे कि मैंने अभी इस लैपटॉप पर प्रोग्राम बनाया, मैं चाहूँ कि दूसरे लैपटॉप पर मैं किसी अपने फ्रेंड को ये शो कर दूँ प्रोग्राम, तो नहीं होगा शो, ये मेरे लैपटॉप पर ही शो होगा। तो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो हमें दोनों दो लैंग्वेज पढ़ी, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, तो इन दोनों का मेन डिसएडवांटेज क्या था कि दोनों पोर्टेबल नहीं थी, दोनों ही प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, और मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि हम 1010101 करते करते बहुत बोर हो जाते, कहाँ तक लिख पाएगा इंसान 0101। पर असेंबली लैंग्वेज में ये नहीं था क्योंकि इसमें सिंबॉलिक थी, ए बी सी डी हम लिख सकते थे, तो असेंबलर ट्रांसलेटर, असेंबलर जो कि एक ट्रांसलेटर है उसकी मदद से
ए बी सी डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1010 बाइनरी नंबर्स में, 0 और 1 में, जो कि केवल कंप्यूटर समझ सकता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और वो चल जाएगा। पर दोनों के मेन ड्रॉबैक्स क्या है कि हम मैंने अगर इस पे प्रोग्राम बनाया तो मैं दूसरों को शो नहीं कर पाऊंगी दूसरे के लैपटॉप पे, मुझे अपने लैपटॉप पे शो करना पड़ेगा, तो ये इनका मेन डिसएडवांटेज है। हाँ, ये बात आप नोट जरूर कर लें कि जो दोनों लैंग्वेजेस थी दोनों लो लेवल लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, दीज बोथ आर वेरी लो लेवल लैंग्वेजेस। सो गाइस, द नेक्स्ट वीडियो, ये आज तक की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, ये फर्स्ट लेक्चर था आप लोगों का। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और इसमें मिड लेवल लैंग्वेज नहीं लिखा है तो हम मिड लेवल लैंग्वेज के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि लो के बाद हम हाई पढ़ेंगे और हाई के बाद ही आप मिड समझ पाएंगे, तो हमें लो के बाद हाई पढ़ना पड़ेगा तभी हम मिड समझेंगे। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस टू एवरी वन, एंड आई विल प्रोवाइड यू फुल कोर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सो बी विद मी।